बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर जो तभी मैं ब्रेड वगैरह सेक रही थी और उसके अलावा दूध बॉयल हो रहा था, चाय बन रही थी। तो बस सुबह सब घर की यही रूटीन होती है, कहीं पराठे बनते हैं कहीं कुछ, क्योंकि सबका अपना होता है, मतलब जो घर में बनता है वो पसंद होता है, मतलब वही बनाया जाता है। तो अभी बस यहाँ पर ये था। और उसके अलावा ये देखें, यहाँ पर मैं ब्रेड रख रही थी और एकदम जो है नीचे गिर गया मेरे से। तो बस ये ना जल्दबाजी का काम ऐसे ही होता है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर बच्चों को अंडे वगैरह भी थे, दिल चाह रहा था तो मैंने यहाँ पर जो था अंडे भी फ्राई कर दिए थे। तो अंडे भी मतलब किसी को हाफ फ्राई चाहिए था, किसी को ऑमलेट, तो बस जो था। और अब ये देखिए, कंप्यूटर के आगे बैठे हुए थे क्योंकि इनकी जो मॉर्निंग शुरू होती है ना, मतलब इनका जो नाश्ता वगैरह चाहिए होता है मेरे बच्चों को, तो वह चाहिए था टीवी के आगे या कंप्यूटर के आगे। और कुछ लोग आजकल तो बच्चे बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चे भी हैं कि बस एक मोबाइल वगैरह, जैसे कि हाथ में सभी को होता है कि मोबाइल हाथ में हो तो हम ये काम करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा मैंने इनको दूर रखा हुआ है मोबाइल से। लेकिन अदरवाइज़ जो है, ये लोग लाजमी, इनको कंप्यूटर या टीवी तो लाजमी चाहिए होता है। लेकिन ये होता है, कंप्यूटर टीवी देखने से इतनी आँखें नहीं ख़राब होती हैं जितनी कि आजकल बच्चों की मोबाइल वगैरह देखने से बहुत ज़्यादा आँखें ख़राब हो रही हैं। और बच्चे मानते ही नहीं, इतने ज़िद्दी होते हैं कि मतलब इसके बगैर उनको कोई काम करना ही नहीं है। तो क्या करें, माँ बाप भी फिर मजबूर हो जाते हैं कि चलो कर तो रहे। तो अब ये देखें, यहाँ पर जो था नाश्ता वगैरह कर लिया था और अब मैं यहाँ पर आई थी किचन में। तो किचन में यहाँ पर मैं सफाई वगैरह कर रही थी, तो सबसे पहले मैं इनके बर्तन वगैरह धो, फिर उसके बाद जो था सालन वगैरह चढ़ाऊँगी। तो अभी मैं बनाऊँगी आज यहाँ पर लौकी गोश्त। और मैं जितने भी मतलब जो रूटीन है, जो मतलब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मसाले में होम मेड ही मसाले होते हैं उससे ही मैं बनाती हूँ। और आप लोग भी एक बार लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि बिल्कुल बहुत अच्छे घर के जो चीज़ें और डलती हैं उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट निकलता है। तो रवि देखें, यहाँ पर जो था मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, और इसके अलावा जो था 1 प्याली मैंने यहाँ पर ले लिया था ऑयल। तो इसमें जो है लौकी को अगर हम बनाएंगे तो इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। और देखिए इंग्रेडिएंट्स में, यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पिसी हुई मिर्ची ली थी, और इसके अलावा जो था लहसुन अदरक का पेस्ट था, नमक था, बस ये 3-4 चीज़ें थी। उसके अलावा मैंने गर्म मसाला भी इसमें ऐड नहीं करा, क्योंकि गर्म मसाला ज़्यादा अच्छा नहीं होता, फिर उसका अपना एक फ्लेवर आने लगता है। तो आप बाद में अगर चाहें तो पिसा हुआ इसमें ऐड कर सकते हैं लास्ट टाइम में। तो बस मैं इसी सादी चीज़ों से ही बनाऊँगी। और यहाँ पर जो था 1/2 kg था बीफ का गोश्त, तो चिकन में इतना मज़ा नहीं आता जितना आप गोश्त में, मतलब कोई भी सब्ज़ी बनाए, लेकिन जब कोई नहीं होता तो फिर होता है बनाना पड़ती है। लेकिन खैर उसका भी एक अपना अलग टेस्ट होता है चिकन का भी। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरा अच्छा सा मसाला भून गया था, 2-3 दफ़ा मैंने इसे पानी डाल के भून लिया था। और मैं बना रही थी कुकर में, तो कुकर में बनाने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, हमारा जो गोश्त है ये अच्छा सा डन हो जाएगा। और अभी ये गोश्त है ना, मतलब फ्रीज़र का नहीं था, तो मैं अभी यहाँ पे भून के ही इतना पानी रखूँगी कि बस ये गल जाए। तो ये देखिए, मैं इसको दिखा रही थी आपको, तो ऑयल वगैरह ऊपर आ चुका था, बस इसमें 1 से 2 गिलास पानी इसमें ऐड करूँगी और फिर इसको मैं रख दूँगी कुकर, मतलब इसको कुकर लॉक कर दूंगी। तो 15-20 मिनट में ही हमारा डन हो जाएगा। और लौकी तो आप 10 मिनट ही रखते हैं उसको, तो इतना टाइम नहीं लगता पकने में। और टमाटर और लौकी जो है मैं बाद में ऐड करूंगी। तो बस इसे मैं यहाँ पे पानी डालूंगी और मीडियम साइज़ पे इसको पकाने के लिए रख दूंगी। और बाकी मैं कुकर में बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी, मतलब अदरवाइज़ अगर हम लोग चूल्हे पर बनाएँ तो 1 से 1.5 घंटा तो मस्त चाहिए होता, लेकिन अगर आप इसमें बनाएंगे तो इसमें कम टाइम लगता है। और अभी देखिए, यहाँ बर्तनों का बहुत बरकत होती है खाने पीने में। तो अभी मैंने क्या, जैसे जैसे कि अभी मतलब मैंने धो लिए थे बर्तन सारे उसके मतलब नाश्ते वगैरह के, लेकिन अभी मैंने जो सालन वगैरह बनाना स्टार्ट करा था उसमें हो गए। तो फिर बच्चों मतलब थोड़ा बहुत बच्चों के भी नाश्ता के बर्तन किचन में मतलब कमरे में रह गए थे, तो बस वो भी निकाले। और फिर जो है अब दोबारा बर्तनों का बरकत कहते हैं ना, बहुत हो जाती है। तो बस मैं बर्तन धोंगी, फिर उसके बाद जो था सालन तकरीबन बन चुका था, बस रोटी बनानी है और उसके अलावा जो है मुझे सालन तैयार करना है। तो अभी बस यहाँ पर ये देखें, मैंने इसमें लौकी डाल दी थी और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिए थे टमाटर। तो ये हमारा सालन बन के रेडी हो चुका था। तो आज जुम्मे का दिन था, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। तो बस बच्चे अभी नमाज वगैरह पढ़कर आएंगे, उसके बाद जो था मैं दस्तखान वगैरह भी छाऊँगी। तो ये देखें यहाँ पर बन गया था, मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये बच्चे आ गए थे नमाज पढ़ के, तो बस साथ ही फ़ौरन जो है खाना वगैरह खाएँगे, फिर इसको इसके बाद इन लोगों को जाना होता है कोचिंग। तो इनकी टाइमिंग जो है कोचिंग की 3 बजे की है, तो बस खाना वगैरह खा के फ़ौरन ये लोग अपने कोचिंग के लिए भागते। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक थी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और आप लोग भी देख रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका जो कलर आया वो भी आपके सामने। और इसके साथ आप बना रहे हैं सलाद, जो सलाद हमारे पर आलू गोश्त, लौकी गोश्त, ठंडे गोश्त
और मतलब इन सब में लाजमी सलाद बनता है। तो बस मेरी वीडियो थी, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।